बड़ी खुशी की बात है कि आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष में हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, हमारे बीच में आई। आज उनसे हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इंडिया में ही नहीं विदेशों के अंदर वो ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे, उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट हर एक फील्ड के अंदर सबसे आगे हैं। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास से हूँ, जो ख्याति मिली है वो वहीं से मिली है। सर, आपका एस एम न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। आज महिला दिवस है, महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको यहाँ चीफ गेस्ट रखा गया, तो सब दो सब महिलाओं के ऊपर बोले। मुझे इस बात की खुशी है कि इस मौके पर हमें यहाँ बुलाया गया, और मैं पूरे तौर पर मुतमईन नहीं रहा हूँ थ्रू एंड थ्रू जिस तरीके से महिलाओं के साथ इस समाज में व्यवहार बर्ताव होता रहा, और इसका बहुत सारा रीज़न है माइंडसेट। पहले माइंडसेट रिलीजियस ग्रंथों और इन सब चीज़ों से ड्राइव करती थी कि शायद औरत इन्फीरियर है, मर्द सुपीरियर है। ये फीलिंग बहुत दिनों तक वर्ल्ड में रही, और यहाँ तक कि मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री जिसको आप मानते हैं, अमेरिका और लंदन यूके, वहाँ औरतों को वोटिंग अधिकार नहीं थे, मेडिकल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन लेने का हक नहीं था। लेकिन बड़ा चेंज आया है, 3 डिकेड्स के अंदर में वर्ल्ड में एक चेंज आ गया है, और इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में भी काफ़ी चेंज आ गया है, और उनको ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर हर चीज़ों में आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और जहाँ तक हमारी इंडिया है, उस इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही कहता है कि मर्द और औरत बराबर हैं, और सेक्स की बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और उसको लेकर के हमारे यहाँ बहुत सारे कानून बने हैं जिसके तहत औरतों को पुश किया जा रहा है कि हर फील्ड में आगे आएं, और वो आज बड़ा नाम कमा रही हैं। यहाँ तक कि आप देखिए, आज हमारी कैबिनेट में पावरफुल मिनिस्ट्री जो है उसको वीमेन हेड कर रही है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री है, टेक्सटाइल है, और इसके अलावा मैं कल की बात बता रहा हूँ, अपनी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात बता रहा हूँ, वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोविल साहब और साथ में हमारे गवर्नर नायक साहब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल जो मिला है हमारे यहाँ फीमेल कैंडिडेट को मिला है जी। और उन लोगों ने इतनी तारीफ़ किया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दुनिया में जितना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। ये हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात थी, और आज यहाँ आके मैंने देखा कि डिफरेंट फील्ड में जो हमारी महिलाओं ने, औरतों ने नुमाया काम किया था, उसके रिकग्निशन में उनको यहाँ पर अवार्ड से नवाजा गया। और डे बाय डे हमारी थिंकिंग बदल रही है, कानून तो ऑलरेडी बराबरी का है ही है, और विमेन में मेरी अपनी फेथ है कि कहीं से ना तो इन्फीरियॉरिटी होना चाहिए और ना किसी मैदान में वो किसी से पीछे हैं। आज आप देखिए कि एरोप्लेन से लेकर के एटॉमिक एनर्जी से में लेकर के पार्लियामेंट से लेकर के फैक्ट्री, लॉज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हर जगह पहले ये होता था कि भाई औरतों का क्या है, कुछ पढ़ती हैं तो वो नर्स का काम कर लेंगी, कुछ और हुआ तो टीचिंग का काम लेंगी, उसके अलावा और सारे फील्ड में दरवाजे बंद थे। लेकिन आज बड़ा बदलाव आया है, वीमेन बढ़ रही हैं, और प्रेजेंट गवर्नमेंट तो मैं समझता हूँ बेटी बचाओ और बहुत सारी चीज़ों में, वीमेन की एजुकेशन के बारे में और बराबरी का हक हर फील्ड में उनको मिले, बहुत कुछ काम हो रहा है। और ख़ास तौर से जो निर्भया कांड हुआ था उसके बाद जो औरतों के साथ जाति की बात आती है, आज क्रिमिनल लॉ में इतना बड़ा चेंज किया गया कि जिससे जो सेक्सुअलिटी में कभी कभी मर्द जाति करते थे और उन्हें दुष्कर्मी कहते थे, उनको सज़ा देने के लिए इंडियन पिनल कोड में अंग्रेज़ों के बनाए हुए लॉ में चेंज हुआ जी। तो मैं समझता हूँ हुकूमत बहुत ही सजग है, हमारे समाज के सोशल एक्टिविस्ट, हमारे जो रिफॉर्मर हैं लाके, सब सजग हैं कि वीमेन को अच्छा मुकाम मिलना चाहिए, और डे बाई डे ये कंसेप्ट बदला जा रहा है कि मर्द सुपीरियर है, औरत इन्फीरियर है। और आज का इनाम का पाना उनका, हम लोग उनको सब इनकरेज भी कर रहे हैं कि आप इन्फीरियर नहीं हैं, बराबर हैं, आगे आएं, और उनको मर्दों की तरफ से माइंडसेट बदल रहा है, ये हमारी बराबर की पार्टनर है। सर, अभी आपने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया, हिंदू कोड बिल का लिया, लेकिन अभी तक जितनी स्पीच रही वहाँ, एक आप ही ऐसे शख्स थे जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लिया, जिन्होंने संविधान का रचयिता बताया, और जो महिलाओं को जो अधिकार दिलाने वाली बात कही थी वो आपने कही थी, एक बार हिंदू कोड बिल की दो बातें। नहीं, मैं ज़रूर चाहूँगा, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का
ना कि एज ए लीडर. लीडर जो थे समाज सुधारक थे और डाउन ट्रॉडन के मसीहा थे, लेकिन जितना पढ़े लिखे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, दुनिया में कोई लीडर नहीं है जो बाबा साहेब अम्बेडकर के शोल्डर के बराबर खड़ा हो. और वो चार सब्जेक्ट में पोस्ट डॉक्टरेट किए थे, यानी और उसके अलावा डीलिट थे और क्या नहीं थे, वर्ल्ड में कोई नहीं. और इसीलिए मैं एक मौके पर उनके लिए कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ ये ना कहिए कि भारत रत्न है, वो तो विश्व रत्न उनको मिलना चाहिए. अब मैं उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बताता हूँ. हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे, और उसके अलावा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन को जब बना दिया, पहली हमारी पार्लियामेंट की तश्कील हुई, तो उसमें लॉ मिनिस्टर उनको नेहरू जी ने बनाया और गांधी जी के सजेशन पर बनाया कि इनसे बड़ा कोविल ने. और उन्होंने नेहरू जी से कहा कि अगर हमको ले आ रहे हो तो औरतों की बड़ी जीर्ण शीर्ण दशा है, ख़ास तौर से हिंदू समाज में, हम इस पर काम करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं. उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा यस. उन्होंने पूरे हिंदू कोड बिल की ड्राफ्टिंग किया, उसमें वीमेन को बराबर का मुकाम कैसे मिले उस पर पूरा काम किया, और उसको लेकर के उन्होंने जो पार्लियामेंट में पेश किया तो उनको मुंह की खानी पड़ी. सारे हिंदू ऑर्थोडॉक्स इंक्लूडिंग फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको अपोज किया, और ये हुआ कि वो बिल नहीं पास हो सका. रिजल्ट में ये हुआ कि उनको इतना डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री से रिजिग्नेशन दे दिया. और उसके बाद फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह ने उनको बहुत मनाया. लेबर और प्लानिंग मिनिस्ट्री उनको दी गई, और उसके बाद पाँच ही साल के बाद, तकरीबन चार और पाँच साल के बाद, 1954, 1955, 1956 के बीच में उसी कोड बिल को जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था तोड़ करके चार एक्ट बने, और उस एक्ट में ख़ास तौर से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 जी, उसमें औरतों के मैट्रिमोनियल मुकाम को बहुत बढ़ाया, अपने वुड बी हस्बैंड की फ्री चॉइस करने का उन्हें हक दिया गया, और ये बात ख़त्म की गई कि औरत अर्धांगिनी है और वो मर्द के नीचे है, अपने मैरिज के लिए वो चॉइस नहीं कर सकती. उसको तलाक का हक दिया गया, उसको सेपरेट मेंटेनेंस का हक दिया गया, एडॉप्शन लेने का हक दिया गया, बच्चों की गार्जियनशिप का हक दिया गया, और वो हिंदुस्तान में पहली बिगनिंग है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बराबरी का हक दिया गया उसको अमली जामा पहनाने के लिए. तो इस तरीके से बाबा साहब ने बहुत बड़ी शुरुआत किया, और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के जितने समाज सुधारक हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, गवर्नमेंट में हैं, वो सब लोग आगे सोच रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और इतने दिन की जो प्रिजुडिसेस हैं एक दिन में नहीं ख़त्म होती हैं. आज तकरीबन 30 साल से पूरा वर्ल्ड लगा हुआ है कि वीमेन को वो मौका मिले जो उसका है. इवन मैं आपको बताता हूँ, ख़ास तौर से सऊदी अरेबिया में देखिए, ईरान में देखिए, ओमान में देखिए, एक ट्रेडिशनल कंट्रीज थी, वहाँ भी वीमेन को लिबरेशन मिल रहा है. और यूके और यूएस जो अपने यहाँ औरतों को हर तरीके से पीछे किए हुए थे, जिनको बहुत एडवांस आज हम मानते हैं, वहाँ वीमेन को वोटिंग राइट नहीं था, वहाँ औरतों को प्रोफेशनल एजुकेशन का राइट नहीं था. लेकिन आज चीज़ें चेंज हुई हैं, और हमारा हिंदुस्तान जैसे बहुत पावरफुल कंट्री की शक्ल में उभर रहा है, वो औरतों को उनको मुकाम और उनका हुकूक दिलाने के लिए भी तत्पर है. और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इस एरिया में बहुत बड़ा काम कर रहा है, और ख़ास तौर से हमारे प्राइम मिनिस्टर के एजेंडा का बेसिक ये पार्ट है कि कैसे वुमेन ऊपर आएँ. जब वुमेन आधी पॉपुलेशन अगर हमारी भूखी नंगी या बराबरी का हक नहीं पाएगी तो हमारा हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ेगा जी. तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है, ये अवेकनिंग का एक हिस्सा है कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और हमारी उन औरतों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज में अपनी अपनी एरिया में बेहतर काम किया है. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद सर.